मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़ और चने की। जी हाँ, गुड़ में पर्याप्त मात्रा में आयरन और शुगर होता है। गुड़ में मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और गुड़ का रोजाना सेवन करने से खून भी साफ रहता है। इसमें सोडियम, विटामिन, पोटेशियम, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा भी करता है और ये खून से जुड़ी समस्याओं से हमारी रक्षा करता है। चने का सेवन करने से यह आपके शरीर में मौजूद गंदगी को अच्छी तरह से साफ करता है। ये डायबिटीज, एनीमिया आदि की परेशानियां दूर करने में बेहद सहायक है। चना को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। गुड़ और चना दोनों ही सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों को साथ मिलाकर खाने से कई बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि गुड़ और चने का सेवन आपके शरीर के लिए किस तरह ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माने तो युवा महिलाओं को हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर गुड़ और चने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुड़ आयरन का समृद्ध स्रोत होता है और चने में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर औरतों की माहवारी के दौरान होने वाले रक्त के नुकसान को पूरा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि अगर किसी को कब्ज बन रही होती है तो लोग सलाह देते हैं कि गुड़ का सेवन करो, चने का सेवन करो, पेट साफ हो जाएगा। और ये वाकई सच भी है, कब्ज की समस्या को गुड़ और चने का सेवन खत्म कर देता है। साथ ही साथ गुड़ और चना एनीमिया रोग को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। गुड़ और चना आयरन से भरपूर होता है और यही कारण है कि एनीमिया से बचने के लिए ये बेहद मददगार साबित होता है। गुड़ में उच्च मात्रा में आयरन होता है और भुने हुए चने में आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी सही मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से गुड़ और चने को मिलाकर खाने से आवश्यक तत्वों की कमी पूरी होती है, जो एनीमिया रोग के लिए जिम्मेदार होती है। गुड़ और चना ना सिर्फ आपको एनीमिया से बचाने का काम करता है, बल्कि आपके शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति भी करता है। शरीर में आयरन अवशोषित होने पर ऊर्जा का संचार होता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में गुड़ और चने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ऐसे वक्त में ना ही सिर्फ ये मॉर्निंग सिकनेस को कम करता है, बल्कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी दुरुस्त बनाए रखता है। तो उम्मीद करते हैं बेहद आसानी से मिल जाने वाले गुड़ और चने का सेवन आप ज़रूर करेंगे, और रोज़ाना अगर ना कर पाएँ तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चुस्त दुरुस्त बने रहना चाहते हैं, खुद को और अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तो पहले अपनी सेहत को दुरुस्त बनाइए। अगर रोज़ाना आप गुड़ चने का सेवन नहीं कर पाते तो कम से कम हफ्ते में एक बार इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ज़रूरत से ज़्यादा गुड़ और चने का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सेवन आपके भोजन की आदत को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसे नियमित रूप से और नियंत्रित मात्रा में खाना ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज हमने आपको बताया गुड़ और चने के ढेर सारे फायदे। इसी के साथ बोल्ड स्काई में बस इतना ही।